हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वीके फिर आया हूँ दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ओला S1 एयर की रेंज को लेकर। बहुत सारी बातें निकल के आ रही है दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि ओला S1 एयर बहुत कम रेंज दे रही है। कंपनी क्लेम कर रही है 151 की सर्टिफाइड रेंज, बट ओला S1 एयर तो 100 किलोमीटर से भी नीचे की रेंज दे रही है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ओला S1 एयर का सारा सच बताऊंगा कि इको मोड पर आपको फुल चार्ज करने पर कितनी रेंज मिल रही है, एंड नॉर्मल मोड पर कितनी रेंज मिल रही है, एंड स्पोर्ट्स मोड पर कितनी रेंज मिल रही है। तो आज आपको ओला S1 एयर की सारी सच्चाई पता लगने वाली है फ्रेंड्स। उसके साथ साथ ही मैं उसकी टॉप स्पीड के बारे में बताऊंगा और जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही है दुनिया, जो ओला S1 एयर ले चुके हैं, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इसी वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओला S1 एयर की रेंज इको मोड पर कितनी मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, इको मोड पर मैं इसका रेंज टेस्ट कर चुका हूँ, मैंने इसे सिटी में भी चलाया है एज वेल एज मैंने इसे हाईवे पे भी चलाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताना चाहूंगा कि इको मोड पर आपको टॉप स्पीड सिर्फ 42 किलोमीटर पर आर की मिलेगी, इससे ज्यादा टॉप स्पीड नहीं मिलेगी इको मोड पर। और जो हमें रेंज मिली है दोस्तों, वो मिली है 106 किलोमीटर की रेंज मिली है दोस्तों फुल चार्ज पर, और उसका मैंने रेंज टेस्ट भी बनाया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, अगर आप देखना चाहें तो वहां से देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नॉर्मल मोड की, तो दोस्तों नॉर्मल मोड में जो आपको टॉप स्पीड मिलेगी वो आपको 70 किलोमीटर पर आर की मिलेगी, इससे ज्यादा टॉप स्पीड नहीं मिलेगी। और नॉर्मल मोड में जो हमें रेंज मिली है फ्रेंड्स, वो हमें मिली है सिर्फ 84 किलोमीटर की। तो कंपनी तो 151 क्लेम कर रही थी, तो उस हिसाब से तो फ्रेंड्स हमें इको मोड में 150 के आसपास की रेंज मिलनी चाहिए थी और नॉर्मल मोड में 125-120 की मिलनी चाहिए थी, बट हमें तो 84 किलोमीटर की रेंज मिली है फ्रेंड्स नॉर्मल मोड पे, वो भी फुल चार्ज करके। एंड स्पोर्ट्स मोड की बात करें तो फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स मोड पे आपको जो टॉप स्पीड मिलेगी वो तो 91 किलोमीटर पर आर की मिल जाती है, जो कि बेस्ट है हाईवे के लिए भी और सिटी के लिए भी। बट आपको जो रेंज मिलेगी दोस्तों, वो हमें मिली है फ्रेंड्स, वो हमें मिली है 68 किलोमीटर की। तो इको मोड पे 106, नॉर्मल मोड पे आपको 84, एंड स्पोर्ट्स मोड पे आपको 68 किलोमीटर की रेंज मिली है दोस्तों अभी तक। बट ये रेंज टेस्ट मैंने अपनी गाड़ी के आने के 15 दिन के अंदर अंदर ही कर लिया था फ्रेंड्स। बट जो मेरी ओला के इंजीनियर से बात हुई थी दोस्तों, उन्होंने कहा था कि एक महीना लगेगा आपकी गाड़ी के सेल्स को जनरेट होने में, यानी कि एक महीने बाद आपकी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो एक अच्छा माइलेज निकाल कर देगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं दोबारा जब मेरी गाड़ी को एक महीना पूरा हो जाएगा, तो मैं दोबारा तीनों पे रेंज टेस्ट करूंगा और पूरे 100% से 0% तक, जब तक मेरी गाड़ी डिस्चार्ज नहीं होती तब तक का रेंज टेस्ट करूंगा फ्रेंड्स। तब एक सच्चाई निकल के आएगी कि ओला S1 एयर कितना रेंज प्रोवाइड कर रही है। तो उसके लिए दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि ओला S1 एयर कितनी रेंज प्रोवाइड कर रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ आपको लेटेस्ट ईवी से रिलेटेड जानकारी प्रोवाइड करते हैं। और अब बात करते हैं कि डिस्प्ले की प्रॉब्लम जो फेस कर रही है, और या फिर जो बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो रही है 100% चार्ज करने पर भी, अगर हम मान लीजिए रात को 10 बजे 100% चार्ज करके हटते हैं, तो सुबह तक हमारी गाड़ी 2% कम हो जाती है, यानी कि 98% मिलेगी जब सुबह आप अपनी गाड़ी को अनलॉक करेंगे। तो उसमें फ्रेंड सॉल्यूशन निकला है कि आप अपनी वैकेशन मोड पर रख दें आफ्टर 100% चार्ज। जब आपकी गाड़ी 100% चार्ज हो जाए, तो आप अपनी गाड़ी को वैकेशन मोड पर कर दें, तो सुबह अगर आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो आपको 100% ही गाड़ी मिलेगी। और सेकंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड्स, वो ये आ रही है कि हमने गाड़ी लॉक की, 10-15 मिनट बाद हमने गाड़ी अनलॉक करनी चाहिए, तो डिस्प्ले बिल्कुल गायब हो गई, डिस्प्ले नहीं आई। तो फ्रेंड्स, उसका भी सॉल्यूशन मिल गया है। उसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी गाड़ी को उसी टाइम रिबूट कर दें, तो आपकी गाड़ी दोबारा से रिबूट होकर जब स्क्रीन तुरंत के तुरंत वापस आ जाएगी, या फिर अगर रिबूट से भी वापस नहीं आई तो आप अपनी गाड़ी को डायरेक्ट अपने मोबाइल से अनलॉक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको हमेशा ही अपनी गाड़ी को मोबाइल से कनेक्ट रखना ही रखना, यानी कि अपना ब्लूटूथ हमेशा कनेक्टेड रखिए अपनी गाड़ी से, तभी आप अपनी गाड़ी को अनलॉक कर पाएंगे ऐसी सिचुएशन में। और सेकेंड सोल्यूशन है फ्रेंड्स, रिबूट। एंड ओला के इंजीनियर ने हमें ये भी बताया था कि पहले एक महीने आपको लगातार गाड़ी को चार्ज करने से पहले रिबूट करना है, और आफ्टर ड्राइविंग, यानी कि अगर आप ड्राइव करके आए हैं तब भी रिबूट करना है, उससे भी रेंज पर फर्क पड़ेगा, यानी कि रेंज आपकी इम्प्रूव होगी गाड़ी की। तो फ्रेंड्स, ये सब प्रॉब्लम्स जो सर दुनिया जो सब फेस कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड हमें कमेंट्स आ रहे थे, तो उनका मैंने आपको सॉल्यूशन बताया, और उसके साथ साथ मैंने आपको तीनों मोड्स पर रेंज टेस्ट बता दिया है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको अब भी कोई भी डाउट है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी क्वेरी को भी जरूर कंप्लीट किया जाएगा। एंड
अगर आप ओला S1 एयर लेने की सोच रहे हैं या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की सोच रहे हैं तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपको बिल्कुल जेन्युइन जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं और लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर से लेकर। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, एंड कल आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।